पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, बदमाशों ने किया पुलिस पर फायर, जवाब में पुलिस ने भी किया फायर, बदमाश के पैर में लगी गोली, एक बदमाश घायल दूसरा फरार, बदमाश पर है 25,000 का इनाम। दरअसल मामला नारखी के बजगांव के समीप असन चौराहे का है, जहां थाना नारखी पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी अपाचे मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को पुलिस ने रोका, जिन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस पर फायर हुआ देख पुलिस ने भी बदमाशों पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश नबीब उर्फ नसीर के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाई है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं उसका साथी फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाश पर कई मुकदमे चल रहे हैं और कन्नौज पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस अब इसके दूसरे साथी व इसके गैंग के अन्य लोगों की तलाश कर रही है और कौन कौन इनके साथ घटनाओं में अंजाम देने में शामिल होता है। नवबारा समाचार, फिरोजाबाद से वेद प्रकाश सिंह। तरह की पुलिस से मुठभेड़ हुई और कौन था ये? थाना नारकी की पुलिस बचगांव चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान दो व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से चौराहे की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका, वो लोग रुकने के बजाय और तेज़ी से अपोजिट दिशा में जेल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और 2.5 किलोमीटर आगे पीछा करके जाके उनको इंटरसेप्ट किया। उन्होंने पुलिस से फायर करना शुरू कर दिया, जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और एक बदमाश के गोली लग गई। सर, उन पर क्या चीज़ बरामद, क्या फॉर्म बरामद हुआ है? उस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके मौके पे यहाँ लेके आए हैं अभी उसके जीवन रक्षा के लिए। और मौके पे एक पिस्टल 32 बोर और एक बाइक अपाचे बरामद हुई। सर, किस तरह का इनामी बदमाश है क्या? प्राथमिक सूचना के अनुसार कन्नौज से 25,000 का इनामिया बताया जाता है। इस पर 7-8 मुकदमे अभी पता चले हैं और हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। भागे हुए अपराधी की भी तलाश है।